और चलिए अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप की। दरअसल क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला है आज और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो फाइनल मुकाबले को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल, जोश का माहौल जो है देखते ही बन रहा है। तो वर्ल्ड कप का यह महामुकाबला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा ये मैच। और हर कोई यही कह रहा है कि भाई जीतेगा तो भारत ही। तमाम जो खेल प्रशंसक है उनमें एक खासा उत्साह जो है देखते ही बन रहा है। मैन इन ब्लू को सपोर्ट करते हुए देशवासी नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ का दौर जारी है, दुआओं का दौर जारी है, यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं भारतीय टीम की जीत के लिए। और देखिए तस्वीरें भी बेहद दिलचस्प लगातार सामने आ रही हैं मैन इन ब्लू को सपोर्ट करने के लिए। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रशंसक भारी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। और देखिए तमाम जो प्रशंसक है वो यही चाह रहे हैं कि भाई इस बार का जो वर्ल्ड कप है ना भारतीय टीम अपने नाम करे, क्योंकि देखिए 10 के 10 अभी जो मुकाबले हुए हैं अजय भारतीय टीम का ये विजय रथ रहा है। एक भी मुकाबले में भारतीय टीम को शिकस्त नहीं मिली है। वही कई मुकाबले हमने देखे एक तरफा खेले गए। ये देखिए ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से भारतीय टीम का उत्साहवर्धन करने के लिए तमाम लोग जो है भारतीय प्रशंसक उनका जोश हाई नजर आ रहा है। हर तरफ इंडिया इंडिया ही सुनाई पड़ रहा है, ढोल पर लोग थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। और रोहित के प्रशंसक भी, कैप्टन रोहित शर्मा के प्रशंसक भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। दुआओं का पूजा पाठ का दौर भी जारी है। 5वीं तस्वीर हम दिखा रहे हैं देखिए, और शहर के अलग अलग जगहों पर जो है देश के अलग अलग जगहों पर पूजा पाठ का दौर जारी है। जीत के लिए हवन यज्ञ भी हो रहा है, विजेताओं के लिए आरती भी हो रही है, विजय के लिए आरती हो रही है। तो भारतीय टीम की विजय के लिए पूजा पाठ का दौर भी जारी है। उत्साह से लबरेज ये प्रशंसक नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरह से प्रशंसकों का हाल है इसको लेकर भिवानी से मेरे सहयोगी रवि और गुरुग्राम से मेरे सहयोगी संजय जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी भिवानी से। रवि आपका किस तरह का उत्साह, किस तरह का जोश जो है वहां पर प्रशंसकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच। बिल्कुल स्वाति, जिस तरह से जब सेमीफाइनल मैच भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था उसके बाद से ही प्रशंसक तो बेहद खुश थे इस बात को लेकर, और तभी से तैयारियां शुरू कर दी गई थी आज के मैच के लिए। और तमाम जगहों पर अगर मैं बात करूं, मिनी क्यूबा के नाम से भिवानी विख्यात है, लेकिन यहाँ क्रिकेट के प्रशंसकों और क्रिकेट के खिलाड़ियों की भी कमी नहीं है, क्योंकि बीसीसीआई के अध्यक्ष भी यहाँ से रह चुके हैं। और इसके अलावा दूसरे तमाम लोगों की बात करें तो क्रिकेट का बेहद क्रेज है यहाँ पर। ग्रामीण तबके की बात करें या फिर शहरी क्षेत्रों की बात करें, अर्बन इलाकों की बात करें, क्रिकेट आज इस तरह से खुमारी पर है कि तमाम जगहों पर आज, क्योंकि रविवार का दिन और जिस तरह से विश्व कप का फाइनल मैच खेला जाएगा भारत और कंगारुओं के बीच, तो कहीं ना कहीं उस मैच को लेकर बेहद जो प्रशंसक है उनमें क्रेज है, बेहद वो आतुर है, उत्सुक है इस बात को लेकर। आज कई जगहों पर वो हम तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको कुछ देर के बाद जब मैच शुरू होगा। मैच शुरू होने से पहले प्रशंसकों का जमावड़ा दिखाएंगे, बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं, खासतौर पर होटल्स की बात करें, रेस्टोरेंट की बात करें, जहां पर जो लोग आएंगे उनको मैच दिखाने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं, उन प्रशंसकों से भी बात की जाएगी। हालांकि टीम इंडिया की अगर बात करें यहाँ पर, चाहे बैटिंग लाइनअप की बात करें, बॉलिंग लाइनअप की बात करें या फिर क्षेत्र रक्षण की बात करें, किसी भी मामले में किसी भी लिहाज से जो है उसको कमतर नहीं आका जा रहा है। और वजह यही है, कई सारे फैक्टर्स है जो कि ये दर्शाते हैं, जो कि बताने के लिए पर्याप्त है कि टीम इंडिया अवश्य ही इस बार वर्ल्ड कप जो है वो लेकर आएगी। निश्चित तौर पर अहमदाबाद के स्टेडियम से जो है वर्ल्ड कप लेकर आएगी। तो कार्यकर्ताओं जो बेहद यूं कहिएगा कि जो प्रशंसक हैं, खेल प्रशंसक हैं या क्रिकेटर हैं, उनमें बेहद जोश देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए प्रशंसकों में बेहद जोश देखने को मिल रहा है और मोटिवेट करते हुए भी टीम इंडिया को लगातार नजर आ रहे हैं। संजय मैं आपका रुख करूंगी, रवि आप बने रहिए। देखिए संजय, अब तक का अगर मुकाबले की बात की जाए तो 10 के 10 मैच भारतीय क्रिकेट टीम ने जीते हैं। 11वां मैच जो है आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा और एक बार फिर से अपने विजय रथ को कायम रखने में टीम इंडिया यहां पर सफल होगी, क्योंकि देखिए बॉलिंग अच्छे फॉर्म में है, बैटिंग अच्छे फॉर्म में है, फील्डिंग अच्छी फॉर्म में है, तो भारतीय टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है।
संजय जी बिल्कुल स्वाति, जिस तरीके से हम इस वर्ल्ड कप के सफर की बात करें तो 10 में से 10 के मैच जो हैं भारत ने जीते हैं, उसमें चाहे मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, बात करूं पाकिस्तान की टीम की, बात करूं जिनको भारत की टीम ने शिकस्त दी है इस वर्ल्ड कप के अंदर, और आज फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। उससे पहले देश भर में कहीं ना कहीं 140 करोड़ जो भारतीय हैं वो टीम इंडिया के लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए कामना कर रहे हैं कि ये विजय रथ ये जारी रहे और 11वां मैच जीत कर वो वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के नाम हो, भारत के नाम हो। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में, जहाँ तमाम जो पुजारी हैं टीम इंडिया के लिए वो जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं, और ऐसे में लगातार वो यही प्रेयर कर रहे हैं कि भारत 11वां मैच जीत के वर्ल्ड कप भी अपने नाम करे, क्योंकि मेजबानी भारत कर रहा है। तो ऐसे में तमाम जो पुजारी हैं वो मंत्र का जाप कर और माँ शीतला के पावन मंदिर में, क्योंकि प्राचीन काल ये मंदिर है, और ऐसे में लगातार यही प्रार्थना की जा रही है, यही दुआ की जा रही है कि टीम इंडिया अपने विजय रथ को जारी रखे और 11वां मैच जीत कर वो वर्ल्ड कप भी अपने नाम करे, क्योंकि जिस तरीके से 83 में वर्ल्ड कप कपिल देव की कप्तानी वाली टीम ने जीता था, उसके बाद 2011 की मैं बात करूं महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने, यानी कि वो लीड कर रहे थे, और आप रोहित शर्मा की जो आर्मी है पूरी तरीके से तैयार है, चाहे बैट्समैन की बात करूं, बॉलर की बात करूं या फील्डर, तमाम जो खिलाड़ी हैं वो अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और मेरे साथ पुजारी हैं, इन्होंने पूजा अर्चना की है। पंडित जी, अभी मंत्र का उच्चारण किया आप लोगों ने, किस तरीके से? सभी को जय माता दी। आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, भारत आज वर्ल्ड कप से मात्र एक कदम दूर है। सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो वर्ल्ड कप के लिए। माता रानी से आज हम सभी पुजारी मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि अब की दफ़े भी भारत मेजबानी कर रहा है तो ये वर्ल्ड कप भारत में ही रहे। खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, किस तरीके से आप देखते हैं वो, चाहे बॉलर की बात करूँ बैट्समैन की बात करूँ, लगातार टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ी अब फॉर्म में नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के ये बात बिल्कुल सही है कि सभी खिलाड़ी अच्छी कप्तानी के कारण फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा जी जो कप्तानी कर रहे हैं उसकी वजह से सभी बॉलर और हमारी टीम इंडिया आज वर्ल्ड कप जीत के ही रहेगी। कौन से मंत्र का आप उच्चारण करेंगे टीम इंडिया की विजय के लिए? आप देख सकते हैं कि स्वाति, जिस तरीके से तमाम जो पुजारी हैं वो मंदिर में मौजूद हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं टीम इंडिया के विजय रथ है वो जारी रहे, इसी के चलते अब जो है पूजा अर्चना की जा रही है, और ये ही नहीं, इसके साथ साथ गुरुग्राम के अलग अलग जगह की बात करूँ वहाँ पर हवन यज्ञ किए जा रहे हैं, तो वहीं पर क्लबों की बात करूँ, रेस्टों की बात करूँ, वहाँ बड़ी जो स्क्रीनिंग है वो लगाई गई, जिससे कि तमाम जो लोग हैं इसको एक पर्व की तरह, क्योंकि पर्व की तरह इस वर्ल्ड कप के जो है फाइनल इसको बनाए, कुछ लोग हैं मंदिर में जो आ रहे हैं वो टीम इंडिया की चेयर करने के लिए, मैं बात करूं तो टीम इंडिया की जो ड्रेस है वो पहन के आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैं पंकज डावर। डावर साहब, किस तरीके से आज फाइनल मैच देखते हैं और आज मंदिर पहुंचे हैं आप? देखिए, माता शीतला के दरबार में आज हम लोग आए और दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज हमारा देश वर्ल्ड कप लेकर आएगा, और पूरा यकीन है हमारे खिलाड़ी आज फुल फॉर्म के अंदर है, और माता के दरबार में हम लोग प्रार्थना करते हैं वर्ल्ड कप इस बार हिंदुस्तान लाएगा। अब किस खिलाड़ी से सबसे ज़्यादा उम्मीद है इस वर्ल्ड कप में आप? विराट कोहली से, मेरा फेवरेट है विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन सबसे मुझे पूरी उम्मीद है, आज छक्के छुड़ाएंगे, और आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ, आज पूरे दावे के साथ कहता हूँ आज वर्ल्ड कप इंडिया लेकर आएगा। देखिए, मैं एक का नाम नहीं लूंगा, आज मुझे सभी मोहम्मद हो कोई भी हो, आज सभी खिलाड़ी हमारे प्रिय हैं, और सच्चाई में बताऊं आज सबके साथ हम पूरे देश आज सबकी दुआएं आज जो है सबके साथ है, आज इंडिया वर्ल्ड कप लेकर आएगा। पूरी टीम के ऊपर विश्वास है, बिल्कुल विश्वास, कोई एक खिलाड़ी के ऊपर नहीं, पूरी टीम के ऊपर विश्वास है। तो स्वाति, आपने देखा तमाम जो मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं वो भी टीम इंडिया की जर्सी पहन के और भारत की विजय की आज वो बात कर रहे हैं, और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि विशेष पूजा है जो माँ शीतला के दरबार में हो रही है, टीम इंडिया का जो विजय रथ है ये जारी रहे और 11वां मैच जीत के वर्ल्ड कप अपने नाम करें, क्योंकि काफ़ी विशेष जो पूजाएँ हैं वो अब माँ शीतला के दरबार में चल रही है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश भर में, क्योंकि जिस तरीके से भारत वर्ष की बात करूँ 140 करोड़ जो देशवासी हैं, सभी के कहीं ना कहीं टीम इंडिया के जीत के लिए आज वो प्रार्थना कर रहे हैं, हवन यज्ञ कर रहे हैं, और यही एक हिंदुस्तान की एकता है कि जब भी कोई बड़ा पर्व हो या फिर किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई प्रेयर की बात हो तो तमाम जो वो चाहे पुजारियों की बात करूं, देशवासियों की बात करूं, वो एकजुट नजर आते हैं। कौन सा विशेष मंत्र है जिसकी आज पूजा, यानी कि जो मंत्र का उच्चारण?
शीतला माता के यहाँ शीतले शीतले तुम जगन माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतला देवी नमो नमः। माँ भगवती शीतला देवी जगत की माता है, जगत की पिता है, वो ही इस जगत की रक्षा करने वाली है। तो माँ भगवती से यही प्रार्थना की है कि हमारे भारतवर्ष में हमारे भारतवर्ष की रक्षा करें और इस साल भी वर्ल्ड कप भारत में ही आए। पुजारी जी क्या कहना चाहेंगे, किस प्लेयर से सबसे ज्यादा उम्मीद है? आज का दिन बहुत विशेष है भारतवर्ष के लिए, क्योंकि आज भगवान भास्कर का विशेष दिन माना गया है। आज के दिन छठ पूजा का विशेष महत्व है और तरह तरह के जगह जगह पे छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। तो आज भारतवर्ष के लिए बहुत पावरफुल दिन है, पर आज तो विजयश्री प्राप्त होना बिल्कुल 100% सुनिश्चित है। स्वाति, जिस तरीके से पंडित जी का भी यही कहना है कि आज एक महापर्व भी है, छठ का जो महापर्व है वो है, और उसी के साथ साथ आज भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल है वर्ल्ड कप का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम भारत के जो लोग हैं वो दुआ कर रहे हैं कि 2 बजे का वो इंतजार भी करें, क्योंकि 2 बजे जो है मैच शुरू होगा और 1:30 बजे जो है टॉस है, और टॉस पर भी निर्भर करता है कि आज टॉस कौन जीतता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं आगे की जो रणनीति है प्लेइंग 11 यानी कि रोहित शर्मा की जो ब्रिगेड है, टीम है, वो कहीं ना कहीं उसके बाद ही आगे की जो प्लानिंग है वो तैयार करेगी। किससे किससे शामिल किया जाता है प्लेइंग 11 में, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि तमाम जो बैट्समैन बॉलर्स फील्डर्स है वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत ही रोचक तस्वीरें आपने संजय हम तक पहुंचाई है, क्योंकि भारत की संस्कार और संस्कृति ही ऐसी है कि पूजा पाठ से ही हमारे दिन की शुरुआत होती है। जब भी कोई शुभ अवसर होता है, बड़ा दिन होता है, तो पूजा पाठ हम करते हुए नजर आते हैं। और देखिए काफी सारे प्रशंसक मुझे आपके आसपास नजर आ रहे हैं संजय, हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज का जो स्कोर है वो क्या लगता है इन्हें, क्या स्कोर भारतीय टीम जो है वो खड़ा करेगी अगर पहले बल्लेबाजी करने उतरती है तो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम बात करें, तमाम जो लोग हैं आप देख रहे हैं कि भारत की जो जर्सी में है वो लोग यहाँ हैं, और ऐसे में मैं इनसे जान आज क्या उम्मीद है कि कितना स्कोर जो है टीम इंडिया करेगी यदि पहले बल्लेबाजी करती है। सबसे पहले तो माँ शीतला माता के प्रांगण में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। हम सभी पूरे भारत देश के निवासी आज बाहर कम से कम 350 से 400 के बीच में स्कोर करने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि विराट कोहली पूरी फॉर्म में, रोहित शर्मा, और पूरी माँ शीतला से मैं मतलब हाथ जोड़ के विनती करूंगा भारत की जीत हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी मजबूत टीम है और आज भारत की जीत होगी। कितना स्कोर आप उम्मीद करते हैं कि यदि भारत पहले बल्लेबाजी करते हैं तो कितना जो टारगेट प्लस की आशा करते हैं हम, 400 से प्लस इंडिया भारत स्कोर बनाएगा। और सबसे बड़ी है कि हम सब मिलकर आज मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं कि भारत जीते, इंडिया जीते और देश का गौरव बढ़े 150 करोड़। और कितना आप माइन यानी कि अनुमान लगाते हैं यदि भारत टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती है तो क्या टारगेट? देखिए इस तरीके के प्रेशर ना हो, मैं कहता हूँ किसी भी तरीके से टॉस पहले जीतेगा, वो खेले या फील्डिंग करे वो उनका वो है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आज हमारा देश वर्ल्ड कप लेकर रहेगा और छक्के छुड़ाएगा, हर एक के बैट से छक्के छूटेंगे। बिल्कुल, देखिए संजय हर प्रशंसक को यही उम्मीद है कि वर्ल्ड कप जो है वो आज भारत लेकर आएगा, और रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि जहां जहां वर्ल्ड कप हुआ है जिसने मेजबानी की है वर्ल्ड कप उसी के खाते में गया है। फिलहाल आपके लिए आपका जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। देखिए